वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज तुम लोग के लिए मैं लेकर चुका हूँ टेडी के वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक, जिसका तुम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो। और गाइस मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि 2 महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, तो उसका रीजन मैं तुम लोग को फिर कभी बताऊंगा। और गाइस इस वाले वर्ल्ड को बनाने में मेरे को 3 महीनों से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, पर ये जो वर्ल्ड है अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पर लेकिन तुम लोग टेंशन मतलब मैं जल्दी इसका एक कंप्लीट वर्जन लेकर आऊँगा। और गाइस उससे पहले इस वाली वीडियो को गाइस पूरा देख लेना, नहीं तो तुम लोग कमेंट करके बोलोगे कि ये चीज़ें मुझे मिली नहीं, जबकि गाइस वो इस वाले वर्ल्ड में होगी, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो चीज़ें मैंने कहाँ पर बनाई हैं, क्योंकि वो गाइस अलग अलग जगह पर हैं, दूर दूर हैं, और आपको गाइस ऐसे नहीं मिलने वाली। तो इसलिए गाइस वीडियो को देख लेना, और उससे पहले वीडियो को गाइस एक लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि गाइस इस वाले वर्ल्ड को बनाने में मैंने बहुत आंखें फोड़ी हैं। हो सके तो शेयर भी कर देना, ताकि और लोग भी इस वाले वर्ल्ड को डाउनलोड करके उसके अंदर खेल सकें। और अभी कुछ ज़्यादा ही बातें हो चुकी है, तो अभी हम लोग टूर में चलते हैं। तो गाइस आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में उनका कासल तो देख ही लिया होगा, पर गाइस आप लोग उसके सामने देख सकते हो मैंने एक गार्डन को ऐड कर दिया है, जिसके अंदर गाइस वो एक सीक्रेट जगह भी है जहाँ पर वो ट्रैप था। और वो गाइस उसका लीवर यहाँ पर है, आप लोग गाइस ये देखो, ये जो लीवर है इसको अगर आप दबाओगे तो ये ट्रैप खुल जाएगा, और अगर आप चाहो तो किसी को भी इससे ट्रोल कर सकते हो। साथ ही में गाइस आप लोग को ये वाली जगह भी देखने को मिल जाएगी जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में बनाई थी। इसके अंदर गाइस आप लोग को कुछ चेस्ट ऑफ फर्नेस देखने को मिल जाएंगे, इन सभी के सभी चेस्ट को मैंने गाइस भर दिया। और यहाँ पर भी तुम लोग को छोटी सी जगह देखने को मिल जाएगी, इधर भी मैंने चेस्ट को गाइस भर दिया, और एक छोटा सा कुआं भी मैंने वैसे ही बना दिया है। और गाइस कासल के अगर आप आसपास देखोगे तो उन्होंने 4 के 4 बीकन जो लगाए थे, उन बीकन्स को भी गाइस मैंने ऐड कर दिया है। और तुम लोग देख सकते हो इस तरह मैंने आयरन का बीकन भी ऐड कर दिया, और कासल के पीछे आपको गोल्ड और डायमंड का बीकन देखने को मिलने वाला है। उससे पहले आप लोग अगर साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर नेदरराइट का बीकन भी देखने को मिल जाएगा, इसको भी मैंने वैसे ही कर दिया है। और कासल के पीछे वाली साइड में आप लोग को देखने को मिल जाएगा हीरो ब्रेन का बड़ा सा स्टैचू, तो इसको भी गाइस मैंने वैसे ही कर दिया। और गाइस इसके साथ ही में आप लोग को एक बड़ा सा गन पाउडर फार्म भी देखने को मिल जाएगा। इसके पास गाइस आते ही देख सकते हो मेरी गेम कैसे लैग कर रही है, और इसके नीचे जाने का भी मैंने रास्ता बना दिया। और गाइस यहाँ पर मैंने लीवर बनाया जैसे कि उन्होंने बनाया था, ये रास्ता गाइस खुल भी जाता है, अभी खुल गया, आप लोग यहाँ से नीचे जा सकते हो, और यहाँ से आप जो चाहो वो ले सकते हो। देखो यहाँ पर गाइस कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं, तो कुछ भी लेना चाहो तो ले सकते हो, और ये फार्म गाइस ऑटोमेटिकली चलता रहता है 24/7। और अगर आप लोग चाहो तो AFK भी कर सकते हो, वैसे तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और गाइस गन पाउडर फार्म के पास आपको देखने को मिल जाएगा घास चेयर का फार्म, तो इसका भी गाइस मैंने वैसे ही कर दिया। और अगर आप लोग को घास चेयर चाहिए तो वहाँ से ऊपर चढ़कर आप लोग लेकर आ सकते हो। और गाइस इसी कासल के पीछे आप लोग को स्टेयर्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिससे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते सीधा आप लोग को पीछे नेदर पोर्टल देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में टॉप फ्लोर आप लोग को हीरो ब्रेन का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएगा। आप लोग को बस सीधा यहाँ से चले जाना है, और उसके बाद आपको चेस्ट दिख जाएगी, तो इस चेस्ट को खोल लेना। और ये देखो गाइस ये रही वो बुक, इसके अंदर उसका नंबर है, तो इसको फोन करके बुला लेना अगर आप चाहते हो तो। वैसे मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। बाकी गाइस अभी हम लोग ओवरवर्ल्ड में है, तो इसलिए ओवरवर्ल्ड की बात करते हैं, एंड और नेदर की बाद में करेंगे। असल की दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिल जाता है आयरन फार्म, तो इन दोनों आयरन फार्म को वैसे ही बना दिया। और गाइस ये चलते तो है नहीं, तो इसको मैंने कमांड ब्लॉक से ही चलाया हुआ है। और गाइस आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरी चेस्ट जो है फुल हो चुकी है, और इसके अंदर गाइस ये श्रिंक पता नहीं क्या कर रहा है, और मुझे लगता है ऊपर तक हॉपर भर चुके होंगे। अगर आप लोग को आयरन चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हो। और इस तरफ में आप लोग को बड़ा सा वीट फार्म भी देखने को मिल जाएगा, और इसको भी मैंने गाइस वैसे ही कर दिया। और गाइस इसको मैंने सिर्फ एक बार चलाया था, एक बार चलाने से गाइस तुम लोग देख सकते हो कितना सारा सामान इसके अंदर आ चुका है। और देख तुम लोग देख सकते हो सामने से कैसा दिखता है। अगर तुम लोग इसको चलाना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है, इधर से सीधा चले जाना है, इसको दबा देना, और गाइस ये देखो ये सारा का सारा चल जाएगा। इन सभी के अंदर वाटर बकेट भी मैंने डाल दिया है, उससे बस क्या होगा ये सारा का सारा पानी निकल जाएगा और चेस्ट के अंदर सारी सारी वीट कलेक्ट हो जाएगी। और गाइस इस तरफ में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा स्पॉनर जो कि है स्पाइडर का और स्केलेटन का, ठीक है। तो इस तरफ में अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा स्केलेटन का, और दूसरी तरफ में स्पाइडर का भी मैंने बना दिया। और इसके ऊपर मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि ट्रैप डोर क्यों रखा, ताकि गाइस वो मॉब जिसके ऊपर ना के गिर जाए, नहीं तो गाइस एक ना एक स्केलेटन या स्पाइडर जो है वो स्पॉनर के ऊपर ही स्पॉन हो जाती है। इसके सामने आप लोग को रास्ता देखने को मिल जाएगा, एक ऊपर जाने का एक नीचे, और आप लोग को बस यहाँ से नीचे चले जाना है। और ये तुम लोग देख सकते हो कितने सारे स्पाइडर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो इनको लोगों को ऐसे मार देना। टेस्ट करके मैंने देखा था तो इतना सामान देखो मेरे को मिल चुका है। आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग ऊपर देखोगे तो आपको गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो गाइस वो आपको पता है यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर है गाइस ट्राइडेंट फार्म, ठीक है। आपको गाइस ऐसे नहीं दिखेगा, आप लोग को गाइस स्काफ फोल्डिंग दिख रही है, आप लोग को गाइस बस इधर से ऊपर चले जाना है, और ये देखो गाइस आप लोग को ट्राइडेंट फार्म भी दिख जाएगा, ठीक है। मैंने गाइस चंक्स जो है वो कम करके रखे हुए थे, क्योंकि गाइस गेम जो है लैग होती है। और गाइस जो ट्राइडेंट फार्म ये चलता भी है, ठीक है, मतलब इसके अंदर से आपको ट्राइडेंट भी मिलेगा। तुम लोग देख सकते हो इस तरफ से मैंने पंपकिंस को भी लगा दिया है, और बीच में आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ से गाइस ये ऊपर आ सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा फैंसी बनाने की कोशिश करी थी, कुछ ऐसा बन गया, और ऊपर से
गाइस देखो ये डिज़ाइन मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा। नीचे वाला गाइस मैंने वैसे ही बनाया, पर नीचे वाला कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को, ऊपर वाला गाइस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम लोग गाइस देख सकते हो ये वो वाली जगह है जहाँ से आप लोग ट्राइडेंट इकट्ठा कर सकते हो। और गाइस मैंने टेस्ट भी करके देखा था, मेरे को बड़े ही आराम से दो ट्राइडेंट मिल गए थे जिनकी एचपी अच्छी खासी है, और आप लोग गाइस इनको मार के टेस्ट कर सकते हो। और गाइस आप लोगों को बस यहाँ पर 5 या 10 मिनट करना है, ये पूरी की पूरी जगह जो है वो भर जाएगी। ये वो जगह है कि जहाँ से वो ड्रोन नीचे गिरते हैं। और गाइस ये देखो आधे तो नीचे गिर के मर रहे हैं गाइस, पता नहीं क्या चल रहा है, पर लेकिन गाइस ये धीरे धीरे स्पॉन होंगे और आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप लोग कास्टल के सामने की बात करोगे तो आपको गाइस वहाँ पर 5 बड़े जॉइंट फार्म्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखो पहला तो गाइस यहाँ पर आपको स्लाइम फार्म देखने को मिल जाएगा, और गाइस इसके पास जाता हूँ ना मैं तो गेम गाइस लैग करती है, इतनी भी नहीं करती गाइस, थोड़ी थोड़ी करती है। गाइस आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये स्लाइम फार्म तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। ये देखो गाइस नीचे से स्लाइम जो है वो गिर कर मरते रहते हैं, और आयरन गोलम को भी मैंने वहाँ पर शिकार बना दिया है। यहाँ से तुम लोग नीचे जाकर कलेक्ट कर सकते हो, और इसके साथ में तुम लोग को देखने को मिल जाएगा वो बड़ा सा पंपकिन फार्म, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हो मेरी गेम किस तरीके से लैग कर रही है, मुझे लगता है तुम लोग को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि वीडियो को मैं बाद में 60 FPS पर चेंज करने वाला हूँ, वरना गाइस कुछ ज़्यादा ही वो सीन होने वाला है। और आपको गाइस यहाँ पर से वो कलेक्टिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो सीधा। आप लोग अगर गाइस जाओगे तो आपको वहाँ पर बोन मिल फार्म भी देखने को मिल जाएगा, अभी गाइस मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला। और गाइस ये तुम लोग देख सकते हो इस ट्रेन को भी मैंने बना दिया और ट्रेडिंग हॉल को भी, और गाइस ट्रेडिंग हॉल के अंदर मैंने एक भी विलेजर को नहीं रखा। इसके अंदर गाइस तुम लोग को चेस्ट देखने को मिल जाएगी, उसके अंदर ज़ॉम्बी विलेजर की एग्ज हैं, आप लोग गाइस उनको खुद क्योर कर सकते हो। मैंने गाइस विलेजर रखे थे पर लेकिन बाद में मैंने सबको मार दिया क्योंकि गाइस कुछ ज़्यादा ही गेम लैग कर रही थी, और मैं यार लैग कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। और इसके पीछे आप लोग को गाइस वो बैम्बू फार्म भी देखने को मिल जाएगा। लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ओशन मोनूमेंट बनाया था, बीकन बनाया था और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो वो कहाँ पर है? तो गाइस वो है मेरे पीछे। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो ये क्या चीज़ है, तो ये गाइस है टेलीपोर्ट मशीन, ठीक है, जो कि काफ़ी सस्ती दिखती है, पर लेकिन गाइस सस्ती है नहीं, आप लोगों को इस बड़े ही आराम से वहाँ पर पहुँचा देगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। यहाँ तक कि किसी एक बंदे का कमेंट भी आया था कि एक जगह बोर्ड लगा देना, कोऑर्डिनेट्स लिख देना कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बनाई है, पर लेकिन गाइस देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा हाईफाई सिस्टम कर दिया और ये आपको कहीं देखने को मिलने वाला नहीं। और ये गाइस है एमरल्ड बीकन, तो हम लोग गाइस सबसे पहले एमरल्ड बीकन में चलने वाले हैं। और गाइस ये देखो तुम लोग आ गए हो वापस, अगर तुम लोग को जाना है ना तो इसके गैस बिल्कुल नीचे ही मैंने रास्ता बना दिया, इसको दबाकर तुम लोग वापस जा सकते हो। ये कैसे गार्डियन फार्म का, और मुझे पता है तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि गार्डियन फार्म कहाँ से आया, तो कैसे वो नहीं है, ये अलग लोकेशन पर मैंने बनाया। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गार्डियन फार्म में, ठीक है, आप लोग को पता होगा उन्होंने इस तरफ से बीकन रखा था, तो इस बीकन को भी गाइस मैंने रख दिया है। और गाइस ये देखो इसके पास आती मेरी गेम लैग करना शुरू कर चुकी है, और गाइस लैग क्यों कर रहे हैं, कैंप फायर की वजह से। और गाइस अगर तुम लोग को नीचे जाना है वहाँ से जाकर तुम लोग जो चाहे वो कलेक्ट कर लेना, काफ़ी सारा मुझे उम्मीद है इकट्ठा हो चुका होगा। मैं वहाँ पर नीचे गाइस अभी नहीं जाने वाला क्योंकि तुम लोग पता है क्यों, और गाइस यहाँ पर आप लोग को वापस जाने का रास्ता दिख जाएगा, इसको दबा देना इस बटन को और तुम लोग वापस पहुंच जाओगे। इसको दबाओगे तो तुम लोग नेदर मोन्यूमेंट में चले जाओगे, और तुम लोग को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और गाइस उस बटन को दबाते तुम लोग आ जाओगे मोन्यूमेंट में, ठीक है। और गाइस ये देखो वापस जाने का मैंने रास्ता बना दिया, इस बटन को दबा देना वापस तुम लोग उसी जगह पर पहुंच जाओगे। और गाइस ये वही मोन्यूमेंट है, इसको गाइस मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया, और इसको बनाने में गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, पर जितनी मेहनत लगी थी ना गाइस ये उतना ही तगड़ा भी दिखता है, ठीक है। तुम लोग गाइस देख सकते हो एकदम, ये जो है ना ये नेदर वॉट किसको कहते हैं या फिर कुछ ऐसे ब्लॉक का नाम था इसका, मेरे को अच्छे से याद तो नहीं, पर लेकिन गाइस ये देखो ये नेदर में इतना घटिया लगता है, और यहाँ पर कितनी प्रीमियम लुक आ रही है इसकी। आप लोग गाइस इसको दबाओगे तो आप लोग एंड में चले जाओगे। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एंड में, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो गाइस इसको रूम को भी मैंने बना दिया है, और इसको लिटरली मैंने 4 महीने पहले बनाया था, ठीक है। और गाइस ये देखो ये वापस जाने का रास्ता है, तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली इधर से वापस जा सकते हो, और थोड़ा मैंने रूम को साफ सुथरा बनाया है, ठीक है। और ये कुछ ऐसी मैंने छोटी सी एक्सेसरीज रखी है तुम लोग के लिए, अगर तुम लोग देख सकते हो यार डुप्लीकेट फार्म, तो गाइस इसको तो मैंने गाइस वैसे ही कर दिया है, और तुम लोग गाइस इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे चलने वाला है नहीं है। और अगर तुम लोग इस लीवर को दबाओगे ना तो क्या होगा, जो सैंड हाइट उतर के नीचे गिर जाएगी, या फिर गाइस ये रेडस्टोन जो है ये खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ गाइस ऐसा ही होने वाला है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने गाइस जितना इसके अंदर दिमाग खराब करना था ना वो मैं कर चुका, तुम लोग गाइस मत करना। और गाइस लगे हाथ हम एंड में आई चुके, तो एंड के तुम लोग को फार्म्स में दिखा देता हूँ। तुम लोग देख सकते हो सॉर्टिंग सिस्टम को भी मैंने बनाया था, पर गाइस ये वेस्ट हो चुका, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग को गाइस यहाँ से ऊपर चले जाना है, और गाइस ऊपर आने के बाद आप लोग को बस गाइस डायरेक्टली यहाँ से पीछे चले जाना है। पीछे आप लोग को एंड सिटी भी देखने को मिल जाएगी, एंड सिटी का पोर्टल तुम लोग जिसको कहते हो ये भी मिल जाएगी, साथ में गाइस आप लोग को वो एक्सपी फार्म भी देखने को मिल जाएगा, इसको भी गाइस मैंने यहाँ पर बना दिया है। वो गाइस अभी एंड और ओवरवर्ल्ड के जो जितने भी फार्म्स है वो तुम लोग को मैंने दिखा दिए। अभी गाइस नेदर का टाइम है, तो हम लोग गाइस डायरेक्टली अभी नेदर में चलते हैं।
और गाइस नेदर में एंटर होने के बाद गाइस आप लोग को पोर्टल के जस्ट इस तरफ चले जाना है, तुम लोग को देखने को मिल जाएगा घास चेयर का फार्म, ठीक है। और गाइस ये इसका जो कलेक्टिंग सिस्टम है ना वो तुम्हारे कासल के मैंने घर के पीछे ही बना दिया, जिसको मैंने दिखाया था पहले शुरू में, ठीक है। आप लोग को वहाँ से घास चेयर चाहिए तो ले सकते हो, वैसे तो गाइस इसका कोई भी काम नहीं है, टोटली वेस्ट है। पोर्टल के पीछे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे टेलीपोर्ट बटन, ठीक है, जो आपको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करते हैं, ठीक है। गाइस ये है बाशन मोनूमेंट, ठीक है, जिसमें उन्होंने बाशन को मोनूमेंट में चेंज किया था, तुम लोग देख सकते हो, इसको मैंने चेंज कर दिया। और गाइस इसको देखने के बाद मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने कुछ टाइम पहले एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी जिसके अंदर तो बाशन कुछ अलग ही तरीके का दिख रहा था, ठीक है। तो गाइस मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये गाइस वही जगह है, मैंने गाइस लोकेट कर कर उसे ढूंढा था, और गाइस मैं जब वापस उस जगह पर गया तो वहाँ पर गाइस कुछ था ही नहीं, और मैं गाइस एक खाली सी जगह पर आ गया था। चार ब्लॉक्स गाइस मैं दूर जाकर मैं आया तो गाइस मेरे को ये वाली जो जगह है ये मिली है, तो इसको गाइस मैंने सारा का सारा दोबारा से रेनोवेट किया। और गाइस ये देखते हो ये उससे भी गाइस वैसे अच्छा है, ये तुम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना, काफ़ी बड़ा है। और गाइस इसके नीचे तुम लोग को गोल्ड भी देखने को मिल जाएगा और लूट भी है नीचे, अगर वापस जाना तो तुम लोग को यहाँ पर जगह मिल जाएगी, इसको दबा देना वापस तुम लोग चले जाओगे, या ये गोल्ड फार्म की इसको दबा देना गाइस और ये तुम लोग गोल्ड फार्म में आ चुके, वैसे भी वो मकसद नहीं है। और गाइस मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो कलेक्टिंग सिस्टम इसका कहाँ पर है, तो गाइस वो अभी फिलहाल तो मैंने नहीं बनाया, पर लेकिन उसको मैं जल्दी बना दूंगा। और गाइस अगर तुम लोग को वापस जाना तो यहाँ पर बटन दिख जाएगा, इसको दबा देना और वापस तुम लोग चले जाओगे, और तुम लोग को देखने को मिल जाएगा मैग्मा फार्म, तो इसको गाइस दबा देना और तुम लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो इसको मैंने वैसे ही कर दिया, और गाइस इसके अंदर से काफ़ी सारा मैग्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा का बड़ा फार्म है इतना, तो गाइस देखो लोड भी नहीं हो रहा इसके अंदर। गाइस इसके नीचे तुम लोग को वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा, इसको वो दबा देना वापस पहुंच जाओगे। और यहाँ पर गाइस तुम लोग को देखने को मिल जाएगा ब्लेज फार्म, जो कि फोर्ट्रेस के अंदर है, और गाइस वो तीन तीन स्पॉनर हैं। अगर आप लोग गाइस यहाँ पर आओगे तुम लोग देख सकते हो, एक तो गाइस ये रहा और एक गाइस ये, और यहाँ पर गाइस तुम लोग को पीछे चले जाना है, ठीक है। तो गाइस पहले तो यहाँ पर मेरे को स्पॉनर मिला था, तो मैंने सोचा गाइस यहाँ पर मैं बना दूँ, तुम लोग देख सकते हो। और गाइस इसके अंदर तुम लोग को कुछ देर खड़ना पड़ेगा तभी गाइस स्पॉन होंगे, गाइस नहीं तो नहीं होने वाले। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा ये वाली जो जगह है ना गाइस बीच में खड़ जाना, जहाँ पर सभी के सभी लोड हों, और गाइस आपको काफ़ी सारा ब्लेज जो है वो मिल जाएगा। गाइस वापस जाने का रास्ता आप लोग देख सकते हो ये रहा, और गाइस उसके अलावा तो इस वाले वर्ल्ड में दिखाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। और गाइस ये देखो इसको बनाने में मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं तुम लोग को कैसे समझाऊं। और अभी इस वाले वर्ल्ड को डाउनलोड कैसे करना है हम लोग उसके प्रोसेस की तरफ चलते हो, डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड का लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद जेड अचीवर को ओपन कर लेना, फिर उसके बाद जहाँ पे भी डाउनलोड किया वहाँ पर चले जाना, तो मैंने डाउनलोड में किया वहाँ पर चले जाते तो दिख जाएगा टेडी वर्ल्ड भाई अभी वर्जन 1, ठीक है। तो इसका वर्जन 1 है, जैसे कि तुम लोग को पता होगा पहली बार ही डाल रहा हूँ मैं, इस पर एक क्लिक कर एक्सट्रैक्ट वाले बटन पर दबाना है, उसके बाद गाइस डिवाइस मेमोरी के अंदर चले जाना है, उसके बाद गाइस गेम्स, फिर com.mojang, और उसके बाद गाइस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स के अंदर ले जाकर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद गाइस ये मांगेगा पासवर्ड, तुम लोगों ने गाइस इसका जो पासवर्ड है वो YD670 भर देना है, और उसके बाद गाइस इसको ओके कर देना, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना, वहाँ पर तुम लोग को टैडी का वर्ल्ड दिख जाएगा, उसको प्ले कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा, अदरवाइज तुम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, अब वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।